जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि रामायण हमें क्या सिखाती है। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, पहला, शुद्ध सच्चिदानंद घन एक परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त हैं और अखिल विश्व एवं विश्व की घटनाएं उसी का स्वरूप और लीला हैं। दूसरा, परमात्मा समय समय पर अवतार धारण कर प्रेम द्वारा साधुओं का और दंड द्वारा दुष्टों का उद्धार करने के लिए लोक कल्याणार्थ आदर्श लीला करते हैं। तीसरा, भगवान की शरणागति ही उद्धार का सर्वोत्तम उपाय है। उदाहरण, विभीषण जी। चौथा, सत्य ही परम धर्म है। सत्य के लिए धन, प्राण, ऐश्वर्य सभी का सुखपूर्वक त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण, श्री राम जी। पांचवा, मनुष्य जीवन का परम ध्येय परमात्मा की प्राप्ति करना है और वह भगवत शरणागति पूर्वक संसार के समस्त कर्म ईश्वरार्थ त्याग वृत्ति से फल आसक्ति शून्य होकर करने से सफल हो सकता है। छठा, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना परम कर्तव्य है। सातवां, माता पिता की सेवा पुत्र का प्रधान धर्म है। उदाहरण, श्री राम जी, श्री श्रवण कुमार जी। आठवां, स्त्रियों के लिए पातिवृत्य परम धर्म है। उदाहरण, श्री सीता जी। नौवां, पुरुष के लिए एक पत्नी व्रत का पालन अति आवश्यक है। उदाहरण, श्री राम जी। दसवां, भाइयों के लिए सर्वस्व त्याग कर उन्हें सुख पहुंचाने की चेष्टा करना परम कर्तव्य है। उदाहरण, श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। ग्यारहवां, धर्मात्मा राजा के लिए प्राण देकर भी उसकी सेवा करना प्रजा का प्रधान कर्तव्य है। उदाहरण, पहला, वन गमन के समय अयोध्या की प्रजा। दूसरा, लंका के युद्ध में वानरी प्रजा का आत्म बलिदान। बारहवां, अन्यायी अधर्मी राजा के अन्याय का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। सगे भाई होने पर भी उसके विरुद्ध खड़े होना धर्म है। उदाहरण, विभीषण। तेरहवां, प्रजा रंजन के लिए प्राण प्रिय वस्तु का भी विसर्जन कर देना राजा का प्रधान धर्म है। उदाहरण, श्री राम जी द्वारा सीता जी का त्याग। चौदहवां, प्रजा हित के लिए यज्ञ आदि कर्मों में सर्वस्व दान दे डालना। उदाहरण, दशरथ जी और श्री राम जी। पंद्रहवां, धर्म पर अत्याचार और स्त्री जाति पर जुल्म करने से बड़े शक्तिशाली सम्राट का विनाश हो जाता है। उदाहरण, रावण। सोलहवां, मित्र के लिए प्राण तक देने को तैयार रहना तथा उसके सभी कार्य करना। उदाहरण, श्री राम सुग्रीव और श्री राम विभीषण। सत्रहवां, निष्काम सेवा भाव से सदा सर्वदा भगवान के दासत्व में लगे रहना। उदाहरण, श्री हनुमान जी। अठारहवां, सौत के पुत्रों पर भी प्रेम करना। उदाहरण, कौसल्या, सुमित्रा। उन्नीसवां, प्रतिज्ञा पालन के लिए सगे भाई तक का उसके प्रति हृदय में पूर्ण प्रेम रखते हुए भी त्याग कर देना। उदाहरण, श्री राम के द्वारा लक्ष्मण जी का त्याग। बीसवां, ब्राह्मण साधुओं का सदा दान मान से सत्कार करना। उदाहरण, श्री राम जी। इक्कीसवां, अवकाश के समय भगवत चर्चा
या सच्चिंतन करना, उदाहरण श्री राम आदि भाइयों की बातचीत। 22वां, गुरु माता पिता बड़े भाई आदि के चरणों में नित्य प्रणाम करना। 23वां, पितरों का श्रद्धा पूर्वक तर्पण श्राद्ध करना। 24वां, अन्याय का सर्वदा और सर्वथा प्रतिवाद करना, उदाहरण लक्ष्मण जी। 25वां, धर्म पालन के लिए बड़े से बड़ा कष्ट सहन करना, उदाहरण श्री राम लक्ष्मण सीता जी भरत जी। 26वां, द्विज मात्र को नित्य ठीक समय पर संध्या करनी चाहिए। 27वां, सदा निर्भय रहना चाहिए। 28वां, बहु विवाह कभी नहीं करना चाहिए। 29वां, साधु संत महात्माओं के धर्म कार्य की रक्षा के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। 30वां, अपना बुरा करने वाले के प्रति भी अच्छा ही बर्ताव करना, उदाहरण श्री राम का बर्ताव कैकेयी के प्रति, श्री वशिष्ठ का बर्ताव विश्वामित्र जी के प्रति। 31वां, स्त्री के लिए पर पुरुष का किसी भी अवस्था में जानबूझकर स्पर्श नहीं करना, उदाहरण लंका में श्री सीता जी ने हनुमान जी की पीठ पर चढ़कर जाना भी अस्वीकार कर दिया। 32वां, पुरुषों को पर स्त्री के अंग नहीं देखने चाहिए, उदाहरण लक्ष्मण ने बरसों साथ रहने पर भी सीता जी के अंग नहीं देखे, इससे वे उनके गहने तक नहीं पहचान सके। 33वां, साधारण से साधारण जीव के साथ भी प्रेम करना चाहिए। 34वां, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर प्रेम से उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने से जड़ भी चैतन्य हो सकता है, उदाहरण अहिल्या। 35वां, बड़ों के बीच में अनाधिकार नहीं बोलना, उदाहरण शत्रुघ्न जी। और 36वां, नास्तिकवाद किसी का भी नहीं मानना, उदाहरण श्री राम जी ने जाबाली सरीखे ऋषि और पिता के मंत्री की बात नहीं मानी। जय श्री राधे। यह है प्रसंग तुलसी दल नाम की पुस्तक से लिया गया है, जो पूज्य श्री भाई जी ने लिखी है, और उसमें हमने पढ़ा कि रामायण हमें क्या सिखाती है 36 पॉइंट्स के अंदर। जय श्री राधे। जय श्री